तो वेलकम बैक। अगर आप भी सोच रहे हैं कोई पैरेट फिश अपने घर लाने का, रेड पैरेट, ब्लड रेड पैरेट, येलो पैरेट, पोलार पैरेट, ब्लू पैरेट और भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, जैसे कि टैटू पैरेट्स, जिसमें बहुत कुछ लव यू वगैरह वगैरह फ्लावर्स, वो सब मैनमेड है। तो कौन सी फिश हमको पालनी चाहिए? पैरेट ले रहे हैं, कौन सा पैरेट सही है आपके टैंक के लिए, सुटेबल है आपके टैंक के लिए? और फुली वीडियो कवर करने वाले हैं पैरेट फिश के ऊपर, पैरेट फिश के फूड से लेके लाइफस्टाइल से लेके टैंक मेट्स तक। तो सबसे पहले जो बेसिक आता है, पैरेट फिश अपन को क्या देख के परचेस करनी चाहिए? पैरेट फिश में कोई बीमारी तो नहीं है, कलर डाउन तो नहीं है? आप मेरे पीछे टैंक देख सकते हो, इसमें बहुत सारे मैंने पैरेट डाले हुए हैं, जैसे रेड पैरेट एंड येलो पैरेट। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पैरेट्स किस टाइप के हैं और वो हेल्दी कैसे हैं और किस टाइप के पैरेट्स आपको परचेस करने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे इनके टैंक मेट्स और इनके फेवरेट फूड और फूड टाइम एंड फूड कैसे खिलाना चाहिए, क्योंकि इनका माउथ बंद नहीं होता। तो चलिए पहले देखते हैं पैरेट, फिर करते हैं आगे का डिस्कशन। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पैरेट फिश के कलर्स फुल्ली ब्राइट कलर्स हैं, और पैरेट फिश हमेशा कलर से अपने समझ में आता है कि यार सही है या बेकार है। क्या मेन इनका कलर्स आता है, फीडिंग्स के ऊपर डिपेंड रहता है, क्या अपन इसको फीड कर रहे हैं, किस टाइप का फीड कर रहे हैं। इनके कलर्स ग्रोइंग का फीड अलग आता है, नॉर्मल फूड अलग आता है, ऑप्टिमम नॉर्मल हो गया, आप खिला रहे हो तो उतने कलर्स डाकर नहीं होंगे। तो अपने टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं पैरेट फिश के टैंक मेट्स। तो पैरेट फिश आप देखा जाएंगे तो सेमी हार्ड में आता है, आप फुली हार्ड फिशेस के साथ उसको सर्वाइव करवा सकते हो, पर जब उनका साइज इंक्लूडेड सेम हो। अगर आप बहुत बड़े ऑस्कर या बहुत बड़ी पिराना के साथ पैरेट्स को इंक्लूड करते हो तो ये आपकी ऑन रिस्क रहेगी, क्योंकि उसका पैरेट्स के ऊपर वो अटैक करते हैं, क्योंकि पैरेट अटैक नहीं करता है, पैरेट अटैक करता है सिर्फ अपने आप की सेफ्टी के लिए। आप गोल्ड के साथ मत सोचिएगा कि गोल्ड के साथ पैरेट को रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के फिन्स पैरेट को अट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके साथ नहीं रहेगा। और बाकी टाइप जैसे ऑस्कर हो गई आप बिल्कुल रख सकते हो, पर सेम साइज होना चाहिए। और अरवाना के साथ आप रख सकते हो पैरेट्स को, अरवाना हो गई वो पैरेट फिश को ईट नहीं करती है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर अरवाना फिश, बिल्कुल साथ में रहेंगे, टैंक मेट्स बहुत अच्छे हैं। आप दूसरे फिशेस के साथ भी रख सकते हो, पर ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, आप सेमी हार्ड के साथ रखिए। मैं पूरा लिस्ट बना के आपको इसी में दे रहा हूँ, आप पॉज करके चाहें तो उस लिस्ट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट डिसाइड करते हैं इसको अपन फीड कैसे करें या क्या फीड करें। तो मेनली अपन को पैरेट का चाहिए रहता है ब्राइट एंड कलर, क्योंकि पैरेट फिश की जान है उसके कलर में। अगर थोड़ा सा भी डाउन हुआ, 19-20 हुआ, जैसे कि आप मेरा मैश ये पिक्चर्स देखिए, अगर इस टाइप का अपन का पैरेट होगा तो अपन को पालने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है कि यार कलर डाउन हो गया या पैरेट अच्छे से स्विम नहीं कर रहा, सारा का सारा खाने का खेल होता है। आप एक होना चाहिए आपका हैवी फिल्ट्रेशन, बहुत फोर्स वाला फिल्ट्रेशन को हैवी फिल्ट्रेशन नहीं बोला जाता है। आप मेरा पीछे वाला टैंक देख सकते हो, क्रिस्टल है पर इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा 3 फिट का टैंक है, हम 3,300 F का फिल्टर यूज़ कर दे रहे, बढ़िया रोटेट होगा पानी, बहुत सारा बैक्टीरियाज बनेंगे, कुछ नहीं होना, फिश मर जाएगा। तो आपको पैरेट फिश में फिल्टर चाहिए, पर इतना फोर्स वाला नहीं चाहिए कि पैरेट को गोल 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 घुमाए, नो। आपको जो स्लोली बट वर्किंग फिल्टर, आपको जितना बड़ा टैंक साइज हो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उस हिसाब से आपको फिल्टर सुटेबल कर दूंगा। परमानेंट फिल्टर्स की वीडियो आप कमेंट करिए, अगर आपके पास चाहिए रेकमेंड करनी है तो उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि किस फिल्टर के ऊपर या किस फिश के फिल्ट्रेशन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो आपके चैनल इसी चैनल एंजल फिश पैलेस पे आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो अपन करते हैं फूड की बात। तो बेसिकली मैंने 4 टाइप्स के फूड्स निकाले हुए हैं अपने फ्लावर ऑन के लिए, आप इनमें से कौन सा फीड करते हो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप ऑप्टिमम नॉर्मल फीड करते हो तो नॉट सुटेबल ही नहीं है यार, उसको इतना हैवी प्रोटीन चाहिए उतना कलर मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक तो ये मैनमेड फिश है, ऊपर से माउथ इसका बंद नहीं होता, आप जब भी देखोगे माउथ ओपन रहेगा, ये बंद नहीं कर सकते अपने माउथ को। तो आप उसको उसके हिसाब से सुटेबल फूड देना पड़ेगा। ये सक करती हैं, फिर क्रश करती हैं, फिर अंदर देती हैं। बहुत हार्ड पैलेट दोगे तो भी नहीं खाएगा, बहुत सॉफ्ट दोगे तो पकड़ नहीं पाएगा। ये सेमी बहुत अच्छा और बहुत प्रोटीन वाला इनको फूड चाहिए। जैसे अपन ने 4 फूड निकाले हुए हैं, सबसे फर्स्ट निकाला अपने क्यूबीफ्लेक्स, ये एक वॉर्म्स ही है, लाइव वॉर्म्स को क्यूब के रूप में सिक्योर किया जाता है कुछ केमिकल्स के द्वारा, आप इनको फीड कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फीड किया
और ज्यादा सुटेबल तरीका है फीड करने का कि अपन ने इसको क्यूब डाला। कुछ फूड ऐसे और हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिनको सोक करके डालना है, थोड़ा सा पानी में फुला के डालना है, वो फूड अलग आते हैं। इनको अपन पूरा का पूरा क्यूब डाल सकते हैं जो उनके लिए बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही बेनिफिशियल, और इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी में है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। अब दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड। तो नेक्स्ट अपना आता है ब्लड वर्म्स, जो अपना हाई क्वालिटी प्रोटीन है। ब्लड वर्म फ्रीजिंग ड्राई वर्म्स क्लियर कर सकते हो। ये जो केचुए जो अपने बरसात में घूमते हैं, पकड़ के डाल दो और अच्छा प्रोटीन मिलेगा। पर 12 महीने बरसात नहीं होती कि आप घर के बाहर जाओगे, 2-3 अर्थवॉर्म उठाओगे, आके टैंक में डाल दोगे। दे सकते हो, बहुत बेनिफिशियल है फिश के लिए, पर नहीं, अपन को अच्छा नहीं लगेगा। तो ड्राई आप इसको फीड कर सकते हो, अप्रॉक्स दिन में 3 टाइम भी फीड करते हो, नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हार्ड फिश बहुत अच्छा स्विम करती हैं, बहुत अच्छे स्विम करती हैं, जैसे डाइजेस्ट करेंगी इजली, तो आप ये फीड कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना थर्ड फूड जो आता है अपना पैरेट फिश के लिए, द ऑप्टिमम 3-in-1 चिकलेट्स। ये भी पैरेट फिश के लिए बहुत अच्छा फूड हो सकता है। तो सारी ही चिकलेट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि उनके कलर एनहेंसर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड बनाया गया है। हाँ, ये नॉर्मली ऑप्टिमम से महंगा आता है थोड़ा सा। ऑप्टिमम जहाँ आपको 100 ग्राम 70-80-90 रुपीज़ का आपके सिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, कितना रूरल एरिया में रह रहे हो। जितने बड़ी सिटी में रहोगे वो 70-65 के अप्रॉक्स भी हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, पर ये अपन को मिलेगा 140-150 के अप्रॉक्स चिकलेट्स फूड। तो ये बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी में रहता है, पर इसको अपन को सोक करके देना है। एक बाउल उठा लिया, अकॉर्डिंग टू योर फिश, या आपके टैंक में कितनी फिशेज हैं उस हिसाब से थोड़ा सा खाना डाला, 5 से 7 मिनट्स उसको छोड़ दिया, फिर अपन ने रिलीज़ कर दिया। पैरेट फिश बहुत अच्छे से खाएगा और उसके गले में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ऐसे कुछ भी आपको दे दिया जाए, बोलेगा जीप से क्रश करो फिर खाओ, नॉट सुटेबल। उसके बाद दांत नहीं है खाने के लिए कि आप उसको बहुत हार्ड पैलेट डायरेक्ट डाल के दे दे रहे हो, वो खा रहा है, नहीं, ये सुटेबल नहीं होगा। थोड़ा सा शक्कर के देना है। और इससे एक और प्रीमियम क्वालिटी का फूड आया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, द हाई रेड, तो टायो कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, बहुत ही प्रीमियम फूड है। बेसिकली पहले मैं अरवाना और पैरेट्स को यही फीड करता था, पर इस टाइम मैं कुछ और फीड कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या फीड कर रहा हूँ। तो इसमें भी प्रोटीन क्वालिटी फैट बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिया हुआ है। जैसे 1100 MRP 1 kg बॉक्स, तो सुटेबली आपको 900-950 में आपके शॉपकीपर्स आपको दे देंगे। और MP डिलीवरी अवेलेबल है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि आप सिर्फ एक बॉक्स के लिए कॉल करोगे तो यार आपका 400-500 डिलीवरी चार्जेस लग जाएगा। आप कहीं से कॉल कर रहे हो, बाय ट्रेन या बाय बस आ रहा है, तो 200-300 रुपीस तो डिलीवरी चार्जेस हो जाएगा आपका। तो सुटेबल रहेगा, आप अपने पास के शॉपकीपर से बात करिए कि भैया हमें ये फूड मंगवा के दीजिए, ये फिश मंगवा के दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो आप ये खिला सकते हो बहुत अच्छी, पर इसको भी अपन को सोक करके खिलाना है, और स्मॉल पैलेट रहेगा तो ज़्यादा सेफ आपकी फ़िश के लिए, क्योंकि बड़ा पैलेट गले में फंसता है। जो अभी मैं रिसेंट फीड कर रहा हूँ अपनी फिश को, वो मैं क्या फीड कर रहा हूँ, जो अभी हम फीड कर रहे हैं अपनी फिश को, वो है टायो का चिप्सी फूड। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। हाँ, इसमें प्रोटीन और मिनरल्स के क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ा कम है, बिकॉज हाई रेड से आप बोल सकते हो कि हाई रेड 100 है, तो ये 75% प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं उनका। पर इससे आपका वाटर क्लियर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अपने सारे ही एक्वेरियम फिशेस को, चाहे वो गोल्ड हो, टेट्राज हो, अरवानाज हो, सारी ही फिशेस को मैं ये फीड कर रहा हूँ। और अपना न्यू स्टॉक आ चुका है, उसका भी अपडेट बहुत जल्दी देने वाला हूँ। फुल्ली स्टॉक अवेलेबल है, तो उसका भी अपडेट आएगा। अभी पैरेट फिश के ऊपर बात करते हैं। तो ये अपन अभी उसको फीड कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फूड है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप पैरेट रख रहे हो तो बस उसके टैंक में और उसके सुटेबल का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप फिश ला रहे हो, इतना कॉस्टली भी रहता है, अप्रॉक्स 400-500 से नीचे तो आपको छोटा बेबी मिलना नहीं है पैरेट का। आप ला रहे हो, चलिए आपने 500 का लाया, 2-3 दिन में मर जा रहा है, बिकॉज ऑफ फिल्टर प्रेशर ऑफ फिल्टर, बैड क्वालिटी फूड, बैड क्वालिटी वाटर कंडीशन। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, और जिसने भी पैरेट पाला हुआ है उसको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, कि उसको भी पता चले कि पैरेट का फेवरेट फूड होता क्या है असल में, और वो क्या खाना चाहती है। और आप उसे लोकल फूड या 50 रुपये का 100 ग्राम वाला खाना खिला रहे हो, नॉट सेफ यार, उसके पसंद ही नहीं है, वो जबरदस्ती खा रहा है जिंदा रहने के लिए, ना कलर आ रहा, ना प्रोटीन मिल रहा, ना कुछ हो रहा। मत खिलाइए, अच्छा खिलाइए, 4 पैरेट रखिए, 40 मत रखिए, पर क्वालिटी पे ध्यान देके। और पैरेट को क्या साइज का टैंक रखता है आप देख सकते हो, 4x4
4x2x2 का टैंक है, तो टैंक का साइज आप रिक्वायरमेंट और फिश आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 2 फिशेज रख रहे हैं तो 2 फिट 2.5 फिट का टैंक में 2 फिश बहुत अच्छे से रहेगा। तो चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो में चाहिए, किस फिश के ऊपर, किस एनिमल के ऊपर, फुल पेट शॉप, तो आप किसी भी जानवर के बारे में नॉलेज ले सकते हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, पर्शियन कैट्स हो, हैमस्टर्स हो, बर्ड्स हो, कॉकटेल्स हो, सभी के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा ऑन योर कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। इसी चैनल पे कुछ ही दिनों के अंदर मैं आपके विद कमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको टैग करके वो वीडियो पर्सनली शेयर कर दूंगा, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हो, मैं खुद ही कॉल करके आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फॉर योर फिशेज एंड टेक केयर एंड योर फिशेज एंड गुड बाय।